मानसून महाराष्ट्र राइड, इस पे मैं ज्यादा पूरा कॉन्सेंट्रेट किया हूँ पूना के आजू बाजू में। 7-8 दिन का तो है ये, मिनिमम तो 7 डेज तो लग ही जाएगा। जो राइड का फर्स्ट डे रहता है ना, उस दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। गाड़ी पे लगाने का जो है वो काफी दिनों के बाद जो लगा तो काफी झामल झामल हो रहा था। राइड स्टार्ट हो गई है और हरियाली हरियाली। टेस्टी था एंड रीजनेबल था। में जो है ना पूरा जो है पट्टा पूरा हरा हरा पट्टा दिखता है। यह डैम हो सकता है वो सेटअप के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मौर्य जय माता दी, हर हर महादेव। आज मेरी सवारी निकली है मानसून महाराष्ट्र राइड। करीबन 7-8 दिन का राइड है ये एंड काफी काफी गैप के बाद जो है वंस अगेन लॉन्ग राइड शुरू किया हूं। तो आज का टारगेट है जालना। करीबन 425 किलोमीटर पड़ेगा एंड वाया अमरावती होके जाने वाला हूँ। मानसून महाराष्ट्र राइड, इस पे मैं ज़्यादा पूरा कॉन्सेंट्रेट किया हूँ पूना के आजू बाजू में, जो अड़ोस पड़ोस में जितने घाट्स एंड हिल स्टेशंस है वो कवर करने का। तो टेंटेटिव प्लान तो ये है कि भाई यहाँ से मार्शेस घाट से फिर लोनावला, खंडाला लोनावला, उसके बाद देन वो पावना लेक एंड जितना है वहाँ पे एम्बी वैली, लवासा, वो सब मुर्शी डैम, वो सब करने के बाद आमिनी घाट होके खुम्बे वाटरफॉल वो सब देखना है एंड वो वरंदा घाट होके रायगढ़ वरंदा घाट होके देन मैं फिर इस साइड आ जाऊंगा महाबलेश्वर साइड, फिर एंड में कास्ट प्लेटू, वो होने के बाद रिटर्न बैक टू स्वीट होम। तो ये लगभग जो है प्लान 7-8 दिन का तो है ये, मिनिमम तो 7 डेज तो लग ही जाएगा। देखते हैं, मेन है कि भाई ट्रैवल जो कर रहे हैं वो ट्रैवल में कितना कवर हो सकता है दिन का। जनरली 350-400 किलोमीटर ये मेरा हो जाता है। लेट्स सी। नागपुर से जस्ट निकलते ही जो है वहीं पे पेट्रोल भरा लिया था, तो अपना डुब्बू भाई जो है डुगू भाई को पहले खाना खिला दिया हूँ। मानसून में राइड करने का एक अलग ही मजा है यार, ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, कहीं पे ड्राइनेस तो दिख ही नहीं रहा है। ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर ग्रीन, जो घास वास भी जो है पूरे घासों से भरा हुआ है। बैरन लैंड्स आर ऑल्सो फुल ऑफ ग्रीन। और अभी बज रहे हैं 8:45। मैंने राइड स्टार्ट किया था अराउंड 7 o'clock। कोशिश थी कि भाई 6-6:30 बजे तक शुरू करने का,
लेकिन ना वो जो राइड का फर्स्ट डे रहता है ना, उस दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। एक तो लगेज सेट करने का, अब वो आगे आगे जो है यूज्ड टू हो जाऊंगा तो फिर फटाफट जो है लगेज जो है गाड़ी में लगाने का जो है वो काफ़ी दिनों के बाद जो लगा तो काफ़ी झामल झामल हो रहा था। एनीवे राइड स्टार्ट हो गई है और हरियाली हरियाली, वाओ। पहले दिन का नाश्ता माय फेवरेट। इलेक्ट्रिक पोल में से कुछ वायर वायर कटिंग चालू है, ट्रैफिक रोक के रखा हुआ है। कारंजा लाड़ के बाद जो है ये टू लेन रास्ता, ये जालना की तरफ राइट साइड टर्न लेके ये रास्ते पे आया हूँ, तो बड़ा सीनिक है ना, थोड़ा सा रूरल टच है रोड में। यहाँ से अभी जालना करीबन 190 किलोमीटर है, तो बहकर होके जाना है। रुका हूँ, यह है हमारी डुग्गू भाई। अच्छा था लंबा राइड, बढ़िया। अब लगी है भूख। अब यहाँ से जालना करीबन 100 किलोमीटर है अभी, तो मैं टारगेट ही लेके था कि लंच के पहले तक के जो है 100 किलोमीटर के रेंज में आ जाऊँ, फिर उसके बाद जो है अभी करीबन हाफ एन आवर 45 मिनट्स का जो है ब्रेक लूँगा, उसके बाद विल सी कहाँ तक जा सकते हैं। कोशिश तो है थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन बीच में लोनार भी है। अच्छा था खाना, टेस्टी था एंड रिजनेबल था, बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं। एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छा हो गया कि वहाँ पे एक राइडर भी मिल गए। एंड ऐसे वो लॉग्स वगैरह बनाते नहीं है, लेकिन वो राइडर है, वो घूमते हैं, तो ही वॉज वेरी फैसिनेटेड। काफ़ी देर बातचीत की हमने, अच्छा रहा। अरे एक राइडर कम्युनिटी जो है वो ही जान सकता है कि राइडर जो रहता है वो जब अपने बाइक पे बैठता है तो उसका फीलिंग जो है वो एक राइडर जो है वो ही जान सकता है। अभी बज रहे हैं 3:30, तो 3:30 बज रहे हैं, तो अगर दौड़ा जाए तो हो सकता है पैठन। डुग्गू भाई तो 80 के नीचे है तो चल ही नहीं रही है, डुग्गू भाई को बस 80 के ऊपर ही चलना है। लोनार के वहाँ पे गाड़ी लगाया था मैं स्टैंड पे, साइड स्टैंड पे, एक्चुअली रोड पे लगाया था, तो रोड का जो है बैंकिंग जो था उसमें थोड़ा सा ऐसा था, वो तो वहाँ लगाया। अरे बाप रे, गाड़ी तो पूरी पलट गई। और अच्छा हो गया, एक बंदा जा रहा था उनको रोका, वो आए आके फिर अरे बाबा दोनों से तो उठे ना उठे, उससे भी वो कर कुर के जो है गाड़ी को जो है खड़ी की है। नहीं मालूम क्या मेरे को वहाँ पे लोनार के वहाँ पे बहुत अंधेरा अंधेरा ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ तो बहुत उजाला लग रहा है। क्या कोई डार्क एनर्जी है वहाँ पे, गॉड नोज।
लेकिन बहुत अंधेरा लग रहा था। इवन ड्रोन शॉट भी जो है जो वो आया एकदम काले काले एकदम ऐसा पूरा डार्क एनर्जी जो है वो दिख रहा उसमें, इस टाइप का था। और यहाँ कितना बढ़िया, वाओ। यही है मॉनसून पीरियड में जो है ना पूरा जो है पट्टा पूरा हरा हरा पट्टा दिखता है, ये बाकी और कोई समय नहीं दिखता। आप विंटर में आओ तो गर्मी में तो पूरा जो है जला हुआ दिखेगा, विंटर में भी पूरा सूखा हुआ दिखता है। ये पीरियड है ना सितंबर अगस्त सितंबर, ये टाइम में पूरा हरा दिखता है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरा पहला दिन जो नागपुर से निकला था तो लूनार होके पहुंच गया था यहाँ पे सिंधगढ़ राजा जो है ये जगह पे, ये नियरली अराउंड 30 किलोमीटर पहले है। शाम को 6 बज गए थे इसलिए यहीं पे रुक लिया। तो चलो देखते हैं जहाँ पे मेरा आशियाना था कल का वो कैसा है। तो ये अभी आपने देखा पूरा रूम, तो ये मुझे पड़ा विद एसी, ये पड़ा 800 रुपए। तो सिंगल पर्सन था, शायद इनका सिस्टम ऐसा है कि 800 रुपए पर हेड देना है। तो ट्रांजिट स्टे के लिए अच्छा है, एक रात निकालना है इसके लिए ठीक है, और हम राइडर्स के लिए तो एनी टाइम चलता है भाई। तो अब आज का टारगेट है जुन्नर जाना, तो जुन्नर ऑन दी वे मैं पैटर्न होके जाऊँगा। तो सबसे पहले जायकवाड़ी जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ से होके फिर जुन्नर। दस मिनट में हाल खराब हो गए। वो पैकिंग वैकिंग कर रहा था जैकेट पहन के ही, अरे पैकिंग बोले तो लगेज लोडिंग, ये पूरा क्लाउडी हो रखा हुआ है। जायकवाड़ी डैम के जस्ट बाजू से जो है ये रास्ता है, ये पूरा बर्ड सेंचुरी है ये। एंड ये देखो डैम, जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी आते हैं और ये पैठन से लगा हुआ ही है। तो अभी बज रहे हैं 9:30, 9:30 तो हुए नहीं है, 9:20 हो रहे हैं। यह डैम,
जयकवाड़ी डैम वगैरह का इसका जो है थोड़ा ड्रोन शॉट ले लिया हुआ। एक्चुअली मैं डैम के करीब में जो है वहाँ से ड्रोन उड़ाने के लिए मना किया था। डैम के आजू बाजू जो है 500 मीटर के दूरी से जो है आप उड़ा सकते हो। रुका था तो वहाँ पे एक बंदा गाड़ी से आया, इससे टू व्हीलर से, वो मेरे को फॉलो करते करते है, बोले तू भी यूट्यूबर आएगा? बोलो हो साला, ये गाड़ी है ये अपना डुग्गू भाई को जो है साला देख के लोग जो है बहुत ज्यादा वो रहे, कितने लोगों ने पूछा है यार, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे लोग इसके तरफ, गाड़ी के तरफ। और वो जो पूरा सेटअप जो लगा हुआ है, हो सकता है वो सेटअप के साथ जो है गाड़ी पूरी अलग ही उठ के दिख रही है। और कैसा है बाइक का कलर भी वाइट है ना, तो एक अलग वाइट एंड बाकी का जो मेरे जो लगेज सिस्टम जो है पूरा ब्लैक में है, तो वो एकदम से उठता है, ब्लैक एंड वाइट ही है भाई। आज भी जो ब्लैक एंड वाइट अपील करता है वो अच्छे अच्छे कलर जो है वो फेल हो जाते हैं। ऐसा जो है पैरेलल है ये, इस साइड में जयकवाड़ी है, बहुत बड़ा लेक है रे बाप रे बाप। मैंने ये देखने के बाद मुझे वो दमयंती नल दमयंती वो मूर्छि वाला जो है वो याद आ गया मेरे को। वो भी बहुत बड़ा था, वो भी यानी दूसरा पार दिखता ही नहीं, ये तो दिख ही नहीं, तो समुंदर लग रहा है। कूच करना है जुन्नर की ओर, फिर वहां से असली जो है मानसून राइड शुरू होगा। फिर बढ़िया नाश्ता हो गया, देखो ऑन लुकस। अरे यार मोबाइल लगाने भूल गया ऑन लुकस के चक्कर में। खानापुर, खानापुर में नाश्ता हो गया। अच्छा मिसल पाव, दो पाव और एक्स्ट्रा लिया, और एक चाय 80 रुपए में भरपेट ब्रेकफास्ट। यहाँ तो रोड थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ दिख रहा है, गड्ढा पलित है पूरा रास्ता है। अभी हो रहा है 10:30, 10:30 समय मैंने हाफ एन आवर का अच्छा खासा ब्रेक ले लिया, गुड, थोड़ा रिफ्रेश हो गया। बाकी ये रास्ता अगर ऐसा रहा तो हालत खराब है फिर। एक अच्छा हो गया कि मैंने चैनल का जो है वो QR कोड मेरे पीछे टॉप बॉक्स पे जो है लगा के रखा हूँ, तो नाम बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन दे दो, स्कैन करो, चैनल पे चले जाओ। तो इसी तरह से जो है लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, अच्छा है, चैनल के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, एक अच्छा ये टेक्निक है QR कोड। मैंने जब शुरू किया था स्टार्टिंग में, जब कार से घूमना शुरू किया था, तो उस समय तो कुछ YouTube वगैरह तो था नहीं, तो उस समय इतना वो नहीं था, बस वीडियो वीडियो बना लो। तभी कैमरा वैमरा भी तो वो हैंडी कैम, अभी आजकल तो डिजिटल मीडिया आने से बहुत एडवांस हो गया है, पहले वो टेप वाला काम था, टेप वाला, फिर वो DVD वाला, अभी भी वीडियोस रखे हैं वो वाले, मैं मेरे को ने पहले से था वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर टीवी में देखना, और उसी से सीखते रहा मैं, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है उसी से सीखते रहा। तब देखो मेरा इनिशियल प्रोफेशन छोड़ के जो है मैं अभी ये प्रोफेशन में आ गया, फोटोग्राफी के इसमें। तो फोटोग्राफी का तो था पहले से ही था, अब उसको जो है फुल फ्लेज्ड कर ली। आई एम हैप्पी, एंजॉयिंग माई लाइफ,
समय भी मिल रहा है, घूमने फिरने को भी समय मिल रहा है, घूमते रहना चाहिए, ये बात तो है। आपके देखने का नजरिया जो है बदल जाता है। नहीं तो आप स्टिक अप रहे ना एक जगह तो यू स्टार्ट गेटिंग स्टैग्नेंट। सात सौ कितना हुआ? इकसठ। चलो ठीक है। नगर कितना बोले यहाँ से? 55। आप किधर के हो? मैं नागपुर से हूँ। किधर किधर जॉब? जॉब नहीं, घूमने आया हूँ। YouTube चैनल। तो यूट्यूबर बहुत आते हैं क्या? हाँ? यहाँ नहीं आते। अभी किधर जाने वाले? अभी मैं जा रहा हूँ जुन्नर। चले डुग्गू भाई का भी पेट भरा दिया भाई। अरे तो मैं गिन नहीं रहा कितने किलोमीटर में कितना चल रही क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि 39-40 के आसपास जो एवरेज मिल रहा है। यहाँ बहुत विंड मिल है। ये फुटेज स्पेशली मैं मेरे सिस्टर के लिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके इनिशियल पीरियड में तो यहीं पे थी। देखो दीदी भिंगार, अब तो पूरा बदल गया होगा। तो नगर एक स्पेशल प्लेस है, काफी बार आया हूं मैं पहले, जब मैं जलगांव में था तब सैटरडे संडे नगर में आ जाता था। अभी जुन्नर 109 किलोमीटर बाकी है, 30-40 किलोमीटर चला लूंगा, उसके बाद फिर लंच ब्रेक ले लूंगा। भिंगार यदि ऑफिस देख लो, फ्लाईओवर्स का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट प्रॉपर वे से किया हुआ है। All credit goes to our dearest श्री नितिन गडकरी जी, who belongs from my home city, Nagpur. अहमदनगर अभी बज रहे हैं 3:15। करीबन 2:30-2:40 को जो है रुका था मैं लंच के लिए। अच्छा हो गया, खाना वाना बढ़िया। तो
अभी यहाँ से जुन्नर 57 किलोमीटर्स, 3:15 बज रहे हैं, 4:30 बजे तक के जो है गूगल वहाँ का एस्टिमेशन है। 5 पकड़ के रखा हूँ,